Alright students, a very very warm welcome and first of all, thanks for being so supportive of the Mathon Go family. We got the 1000 likes that we wanted on our previous video and you guys nailed it guys. And within 10 hours, we were able to cross 1200 likes on that particular video. So congratulations on being so supportive and a part of Mathon Go family. So as we promised, preparation tracker for JEE 220 is now available. What it is, how it has to be followed up, क्या करना है, कैसे करना है सर, बता दीजिए प्लीज. That is what I am going to tell you in this particular video. You can't really miss this. I don't know, but this might prove to be one of the most effective preparation tool you will have in your preparation for JEE mains. Right? So, okay, quickly before we start, please hit the like, share and subscribe button. Subscribe, a lot of students have not subscribed to our channel and that's the reason they are not able to get daily updates, what we guys are doing. Please subscribe if you have not already subscribed and do share, right? So, agar aapke dost hai jo padh rahe hain aur jo problem face kar rahe hain, please do let them also know that this fantastic tool is available. Chale. लिंक टू दी पीडीएफ. सो बिकॉज आई टोल्ड यू दैट जो ये सब कुछ होगा ये पीडीएफ में चलेगा, कोई टूल नहीं दे रहे हैं आपको, पर पीडीएफ टूल है. तो डिटेल्स अवेलेबल एट द एंड, लिंक जहां भी है वो आखिर में है, तो इसलिए पूरी वीडियो देखनी है. आपको करना क्या है, जो पीडीएफ है उसका प्रिंटआउट लेना है, आपको पेस्ट इट ऑन अ वॉल और आपका जो स्टडी टेबल है जहां भी आपको लगता है, एंड यूज ऑन अ डेली बेसिस. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू यूज इट ऑन अ डेली बेसिस, देन ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. अब है क्या दिखाता हूं मैं वो तुम्हें. चलिए, सो दिस इज बेसिकली द टूल व्हिच यू गाइस हैव ऑन द पीडीएफ फॉर्म. ठीक है, पीडीएफ फॉर्म इस तरीके का कुछ है. ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसमें करना क्या है, आपको कैसे यूज करना है. सो मैंने पिछले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू अबाउट कैटेगरीज, राइट, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री. सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, द लिंक इज और मे बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस गो एंड चेक इट आउट. So let's say this is tool for maths. Similarly, there is tool for physics and chemistry also. I'm going to explain you with the help of maths, ki maths mein kaise karna hai, usi ko aap repeat karenge physics aur chemistry ke liye. So category one is the most important topics that you should do in your last 30 days, right? You should focus more on them. ठीक है? So आपके पास हमेशा जब आप इसको वॉल पे पेस्ट कर लेंगे, यू गाइस कैन ऑलवेज सी कि यार मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और उस पे मेरा प्रोग्रेस कितना है. सो हाउ यू विल डिफाइन द प्रोग्रेस इज कंप्लीशन स्टेटस, हैव यू कवर्ड प्रीवियस इयर्स, हैव यू टेकन अ चैप्टर टेस्ट, हैव यू डन रिवीजन, वन टाइम रिवीजन, टू टाइम रिवीजन एंड फॉर्मूला रिवीजन. सो दीज आर द टूल्स व्हिच विल गिव यू प्योर स्टेटस कि मेरा उस चैप्टर पे, मेरे उस सब्जेक्ट में कितना कितना चल रहा है. तो क्या मतलब है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रिपेयर करा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में. हाईलाइट करता हूं मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को. सो ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, आप यू गाइस आर राइट नाउ स्टडिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर करे, बट प्रीवियस ईयर अगर आपने कैसे करने हैं, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर हाउ मेनी प्रीवियस ईयर्स वी हैव टू डू, टिल विच ईयर वी हैव टू डू. गाइज, इट इज इंपॉर्टेंट टू फिनिश फ्रॉम 2013 टू 2019. आई नो दे आर हेल लॉट. सो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर डूइंग स्पेसिफिक तो आप ईयर लिखें, 2019 मेरा हो गया और यहां पर एड करते रहे, अब मैंने 2018 भी कर लिया है. सो बिकॉज प्रीवियस ईयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिविजन. ठीक है, आपने उसमें टेस्ट दे दिया है, टिक कर दे. ठीक है, फिर आप कहते हैं कि मेरा रिवीजन, रिवीजन के भी मैं बाद में बात करूंगा, उससे पहले आते हैं अगले चैप्टर पे. तो अगर आपने मान लीजिए कंप्लीशन स्टेटस का क्या मतलब है, आपने ये एक बार खत्म कर दिया है, फिनिश्ड फ्रॉम अ बुक, जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, जो भी या तो अपना स्टडी मटीरियल है, अपना कोचिंग मटीरियल है, फिनिश्ड. ठीक है, कंप्लीशन स्टेटस फिनिश्ड. ठीक है, अब मान लीजिए आप आ गए इस तरीके से चलते जा रहे हैं, तो आपने मल्टीपल चैप्टर्स खत्म कर लिए, यू हैव टेकन मल्टीपल चैप्टर्स. ठीक है, जैसे मान लीजिए सारे कवर हो गए तुम्हारे, तो तुम इसको हाईलाइट भी करते चल सकते हो. सो यू कैन हाईलाइट दोस चैप्टर्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन, जिससे आपको पता रहे यार ये वाला मेरा नहीं हुआ है, या फिर यू गाइस कैन ऑल्सो हाईलाइट दोस टॉपिक्स व्हिच यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको हाईलाइट करा है, दैट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दीज टॉपिक्स. ठीक है, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं मैं. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लेट्स से वंस यू मूव इनटू कैटेगरी टू, सो नाउ these three tabs are very important.
which will give you rank. The first two or three are important, but the remaining three columns are even more important. So let's say now you have started doing vector 3D. ठीक है, ये वेक्टर 3D जो कि कैटेगरी 2 का सबसे पहला टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? सो नाउ यू हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. ठीक है, अब इफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, योर टारगेट शुड बी टू कीप रिवाइजिंग दीस प्रीवियसली डन चैप्टर्स. और ऐसा जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू गो इन अ सीरियल ऑर्डर दैट वी हैव गिवन. यू गाइज मस्ट बी गुड एट सम चैप्टर्स, यू गाइज मस्ट नॉट बी गुड एट सम चैप्टर्स. यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली एंड लीव आउट ऑल्सो सम चैप्टर्स. हो सकता है कई लोगों को फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट दे हैव अ गुड होल्ड ऑफ वेक्टर 3D, दे कैन स्वैप दीज टू. तो आप वहां छोड़ के पहले ये खत्म कर लें. सो ये दिस इज ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपका क्या चल रहा है. सो वंस यू हैव डिवोटेड दिस फिनिश कैसे करते जा रहे हो, तो वंस यू हैव स्टार्टेड वेक्टर 3D, आई हैव ऑलवेज सेड दैट यू शुड टेक सम टाइम आउट फॉर रिविजन पर्पसेस. सो नाउ you should start revising matrices and determinant because you did it at the first go. So, आपको वहां पर अगर एक बार revision कर दी है तो tick कर देना चाहिए. आपने अब formula revision. So, मैंने हमेशा से तुम बच्चों को बताया, I've always told that revision is going to give you the ranks. Right? Revision is the most important tool. Right? So, revision, how it has to be done? Mentally. दिमाग में करनी है. कौन से दिमाग में करनी है? जो क्वेश्चंस आपने ये फिनिश जो वर्ड यूज करा यहां पर, फिनिश वर्ड यूज करा, सो यू मस्ट हैव सॉल्वड अ बुक. नाउ यू हैव टू टेक दैट बुक एंड मेक श्योर यू रीड आउट द क्वेश्चंस एंड इमेजिन व्हाट यू माइट हैव डन. अगर आपने सॉल्यूशन उस समय देखा था, क्या टीचर ने पढ़ाया था, तो आपको सिर्फ दिमाग में यू हैव टू विजुलाइज. Okay, sir did this. Okay, this question says this. This question says this. This, this, this. I will do this because this statement is given. That is how you have to pre-think. So, it is pre-thinking the question. Okay, so revision. But I have also said that it is very, very important to revise formulas. Right? So, before sleeping, 15 minutes every day are to be given to formula revision. So, in fact, jo bache hamare Mathon Go app pe hai, we send a daily reminder of formula. So, for example, we have set ki hamari Mathon Go app pe 10:30 p.m. we will send you a reminder to just go and check formulas. Right? This is what we guys have said. So, if you want ki koi aapko daily basis pe pump kare formula ke liye, go download the Mathon Go app if you have already not done that. So, ab karna kya hai? Formula ek baar revise nahi hota. It has to be done multiple times. So, bachpan mein yaad hai, wo ek aise arrows lagate the. 5 का पेयर होता था तो कंप्लीट कर देते थे. तो आपको हर बार क्या करना है, जितनी जितनी बार आप फॉर्मुला रिवीजन करते जा रहे हैं, जैसे दो बार हुआ है, दो बार, तीन बार, इस वाले चैप्टर की दो बार हुआ है, इस वाले चैप्टर का, तो दिखना चाहिए कि यार ये इफ दिस इज 5 टाइम्स, सो दिस इज 4, 3, 2, ये 1 या फिर ये भी 2, तो ये इस तरीके से आपको रिपीट करते रहना है. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. मेक श्योर बिफोर यू अटेम्प्ट और फाइनली सेटिंग फॉर द एग्जाम, देयर शुड बी 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन. This particular chart will give you entire picture in front of you what the bloody hell you guys are doing. बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को पता हो कि हमारा preparation level कैसा चल रहा है, right? हम सिर्फ दिन भर suggestions सुनते रहते हैं, but we do not know what exactly is happening. So just imagine एक ये पूरी sheet maths की आपकी आंखों के सामने, it is there in front of your study table. आपको पता है कि यार मेरा maths में क्या status चल रहा है. Similarly, ऐसे ही chemistry की है. ठीक है, केमिस्ट्री में हमने यहां लिख दिया बायो मॉलिक्यूल, पॉलीमर, ये सारे वो जो कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस थे. सो स्टूडेंट्स हु आर न्यू, हु डू नॉट नो हाउ वी हैव कैटेगराइज देम, प्लीज वॉच द वीडियो हाउ टू गेट 200 प्लस इन जेईई मेंस. मैं यहां पर अभी बॉक्स में दिखा भी दूंगा, तो आप वहां से प्लीज उसको करें. ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन दिस इज फॉर केमिस्ट्री एंड सॉरी दिस इज फॉर फिजिक्स. सो तीन शीट्स आपके स्टडी टेबल पे, 3 शीट्स प्रिंटेड which will give you exact thing what is happening. In fact, you will also get to calculate कि यार मेरे कितने दिन बचे हैं और मेरे कितने topics बचे हैं. क्यों? हमने क्या decide करा है? कि जो जो chapter, the chapters which I am going to finish and I am confident about them, मैं उनको क्या करता रहूँगा? Highlight. So this is I have done this. So you will get to know मेरे कितने chapters अभी बचे हैं. You don't have to waste your time in doing that. That is why this is so, so important, guys. I don't know whether you will realize its importance, but believe me, if you start working on this, you will
definitely improve your score by just by following this. You will improve your score by minimum of 30-40 marks. And you know that in a JEE mains, 30-40 marks बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, अब ये ही लोग इसको कई लोग इम्प्लाई करेंगे और बना जाएंगे, कई लोग अभी भी इसमें कंफ्यूज रहेंगे और सोचेंगे कि करूं या ना करूं. नोटिस गाइस, इसमें कोई भी हार्म नहीं है किसी भी तरीके का, एंड इट इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. ठीक है, हम कोई भी टूल बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते, तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. ऐप पे बुलाओ यार, ये करो ये करो वो करो, सिंपल थिंग, गो स्टिक आउट दीज 3 शीट्स ऑन योर स्टडी टेबल, ऑन योर स्टडी वॉल या जो भी वॉल है, और बस आपको डेली बेसिस पे सोने से पहले टिक करना है. दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट आई से, दिस इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस गेम. ठीक है, इसको आप कैसे समझो अपना, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस के लिए है, इसको तुम अपना कॉन्फिडेंस टूल बनाओ. ठीक है, जगह नहीं बची तो यहां लिख देता हूं, कॉन्फिडेंस टूल. सो इट इज बेसिकली फॉर योर कॉन्फिडेंस दैट यस, मेरा इतना इतना हो गया, मेरा इतना इतना हो गया. मेक श्योर इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर लिस्ट, एटलीस्ट यू आर एबल टू कवर हाउ मच, 70%. अगर आप 70% भी कवर करते हैं, 70% ऑफ द सिलेबस यूजिंग दिस, जितने ये कॉलम्स बने हैं उसमें रिवीजन और फॉर्मूला रिवीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, बिलीव मी गाइस, यू विल डेफिनेटली क्रैक समथिंग अराउंड 200 मार्क्स. बट स्टार्ट फॉलोइंग दिस, very very rigorously start following this. I can say that apart from teaching, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत अच्छी teaching समझाने के तरीके से मानते हैं कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरे हिसाब से शायद जो मैं ये चीज provide कर रहा हूँ, this is one of the best things that I have done for you guys, which will help you not just in IIT, just आप इसी sheet को हर paper में apply कर सकते हैं, right guys? So the main thing coming, link to the PDF, okay. So the team has made it available on the description box only. Maybe after 10 minutes of this video, after 10 minutes, this video gets over, it will be available in the description box. It will be uploaded, download it, take a printout, stick on the wall and start following it rigorously. कुछ भी नहीं करना है, daily का 2-3 मिनट लगना है तुम्हारा, और उसमें फिर अब से तुम्हें किसी भी preparatory guide की जरूरत नहीं है, everything is in front of you, right guys? So if you have any doubts about what is this confidence tool, what, how, where I am getting stuck, please come back to this video, comment on this particular video, and we guys will get to you as soon as possible that where you guys are getting stuck. Clear guys? Baat samajh mein aa rahi hai? And if you understand that what we guys are doing here at MathOnGo, please do hit the like button, do hit the share button, and please do these two things for us as well. We know that as a part of MathOnGo family, we will have a huge number of likes, but we want that this message should go to a lot and lots of more people, right? A lot of people are getting stuck at not getting relevant information. Unhe information mil rahi hai par repetitive ya jo har jagah milti hai, jisse fayda nahi hota. Please help out your friends, bring them here so that they can also get some real quality work on YouTube, right? We are giving this for free, nothing is being charged. So please go out, share it as much as possible, and subscribe if you have not already done that. All right, guys. So keep working hard. I hope aap sabko ye jo preparatory tool hai is going to just fortify the paper for you guys, right? And in the comment section, do let me know how it is has worked for you. Chahe aap ek hafte baad aaye, 5 दिन बाद है, please, I need your feedback on this. Do let me know how is this preparatory tool working for you. Alright guys, God bless you all. Keep working hard. And yes, do not forget to comment. Paper phodna hai. And yes, we are again back. Okay, we are again back with the morning club. So in the morning, we are getting again back at 6:30 a.m. Right? So please join us in the morning club at 6:30 a.m. for our morning classes, and where we guys are discussing 2019 JEE mains questions. Yes, so all of you wanted that sir please discuss 2019 and हमें उसमें solution नहीं, हमें सिखाएं कि sir उसमें pattern कैसे identify करना है, what and what has to be done when what statement is given in the question. That is what we guys are doing in the morning club. Come, get up early. If you get up early, you will be able to plan your day much better. So that's why it's the morning club. God bless you all. I'll see you and keep coming up with your suggestions in this particular video. God bless. Bye-bye. Good night.